बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विद्यालय परिवार का अगर ग्रामवासियों द्वारा इसी तरह प्रोत्साहित किया जाएगा तो शायद आने वाले समय में विद्यार्थियों को और मनोबल बढ़ेगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। और विद्यालय के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले बामा साहब का मैं फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में पांचवी बोर्ड कक्षा में प्रथम स्थान पर रहे ईश्वरलाल को पुरस्कार स्वरूप भेंट करेंगे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गलबाराम जी। ईश्वर लाल कक्षा पांच इधर खड़ा, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। कक्षा पांच में दूसरे स्थान पर है भावना रुका। थोड़ी जी ऊपरी, थोड़ी जी ऊपरी। आगे नाम बोलते गुरु। इस बार गत उपस्थिति में सबसे अच्छी उपस्थिति देने वाली छात्रा है पवन मल्लाराम, जिनकी सर्वाधिक उपस्थिति रही विद्यालय में। यह तो मंच पर पधारे पुरस्कार के लिए। पवन कौन सी? पवन सातवीं। पवन मल्लाराम कक्षा आठ। पवन खड़ी हो, पवन खड़ी हो। पवन मल्लाराम ज्यादा हाजिरी रही, खड़ी खड़ी हो। स्कूल में हमेशा आते हैं। ठीक गत वर्ष गृह कार्य लेख और सबसे अच्छी लिखावट के लिए पुरस्कार मिलेगा कक्षा आठ धर्मी भावना गांगुली कक्षा सात। अच्छे लेखन कार्य और समय पर लेखन कार्य के लिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा श्रीमान देवराम जी द्वारा। सबसे अच्छी लिखावट है इस बच्चे की और विद्यालय में अध्ययन में भी सबसे अच्छी है।